Okay, so first topic we have in biology is gaseous exchange. Gaseous exchange में हम लोग कौन-कौन से topics cover करेंगे? We'll be talking about the introduction, यानी in gaseous exchange होता क्या है? We'll be talking about gaseous exchange in animals, यानी ये जानवर हैं वो किस तरीके से gaseous exchange करते हैं? Gaseous exchange in plants, यानी plants के अंदर किस तरीके से gaseous exchange होते हैं? Gaseous exchange in man, इंसान किस तरीके से करते हैं? हमारा air passageway किस तरीके से लंग्स तक पहुंचता है, हमारे ब्रीथिंग का तरीकेकार क्या है और हमारे गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं. उसमें कौन कौन सी बीमारी कवर करेंगे हम लोग? एस्मा कवर करेंगे, ब्रोंकाइटिस कवर करेंगे, निमोनिया कवर करेंगे एंड लंग कैंसर और उनके कौन कौन से वजूहत हैं उनको भी हम कवर करेंगे. और आखिर में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके so let's start with introduction. All living organisms must need to exchange oxygen and carbon dioxide gases with the environment to carry out their vital functions such as respiration. duniya ke andar jitne bhi jandar organisms hain, jitne bhi jandar cheeze hain, un sabko oxygen ki aur carbon dioxide ki zarurat hoti hai, chahe wo nikal rahe ho chahe wo andar le rahe ho. yani ke unko like suppose le lete hum log plants ki example le lete hain, plants need carbon dioxide but a human they need oxygen. तो इस तरीके से different organisms को different gases की जरूरत होती है but all of the organism must need to exchange oxygen and carbon dioxide. In addition to respiration, photoautotrophs like plants do carry out gaseous exchange for the process of photosynthesis. Respiration के साथ साथ जो plants होते हैं उनको photosynthesis के लिए gaseous exchange करने की जरूरत होती है. कि लेट्स सपोज हम फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वो अगर प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज नहीं करेंगे यानी कि अगर वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं लेंगे तो उनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा जिसकी वजह से उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विद वाटर व्हाइल टेरेस्ट्रियल वंस विद एयर. जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं, पानी के अंदर प्लांट्स रहते हैं, वो अपने गैसेस जो हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी से ही हासिल करते हैं और जो जमीन में रहते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो हवा से हासिल करते हैं अपने गैसेस. गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स. एज स्टेटेड अबव प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. जिस तरह से आपको पहले बता दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को गैसेस की जरूरत होती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन व्हाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट वेयर एज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. यानी प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग अंदर लेते हैं टेक इन करते हैं एंड जो ऑक्सीजन होता है वो गिव आउट करते हैं. जबकि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन इज टेकन इन और कार्बन डाइऑक्साइड वो गिव आउट करते हैं. ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी डे टाइम के अंदर दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड. जो खाना होता है वो उनका तैयार हो रहा होता है बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी आप फोटोसिंथेसिस का पढ़ चुके हैं ग्रेड 9 में दैट फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन दोनों को इस्तेमाल करके जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स बनता है वो है ग्लूकोज. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन व्हाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज एज बाय प्रोडक्ट इज गिवन आउट. यानी कि इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है और जो ऑक्सीजन गैस है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकाल दिया जाता है. यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स. यानी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो तमाम लिविंग सेल्स के अंदर होता है. इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी. यानी कि रेस्पिरेशन का मेन मकसद क्या होता है कि वो फूड को तोड़ता है ऑक्सीडाइज करता है ताकि उसमें से एनर्जी तैयार कर सके. अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है ये
मिसकंसेप्शन होती है दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग इज द सेम थिंग. ऐसा हरगिज नहीं है. ब्रीथिंग में सिर्फ सांस अंदर लेना और गैस को बाहर निकालने वाला प्रोसेस हो रहा होता है, यानी इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस हो रहा होता है. जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो गैसेस हम लोग इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, उस गैस को यूज करते हुए खाने को तोड़ना ताकि हमारे जिस्म के लिए एनर्जी बन सके, वो पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है. यानी ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, लेकिन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम. इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट होता है. Process of exchange of gases in plant takes place mainly through minute openings called stromata. यानी कि जो plants के अंदर, जो leaves के अंदर जो छोटे tiny openings होते हैं, tiny holes होते हैं stromata, उस holes के through gases exchange होता है. The roots and stems do exchange gases for respiration. Special cases के अंदर, बहुत special cases plants के अंदर जो respiration का process होता है, कभी कभी roots and stem भी करते हैं. Like let's suppose हम example ले लेते हैं बनियन ट्री के. अक्सर वो मार्शी एरिया से पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो ज़मीन होता है बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, जिस वजह से उनको जो गैसेस ज़रूरत होती हैं वो उनको नहीं मिल पा रही होती, तो इस वजह से उनके रूट्स होते हैं वो ज़मीन से बाहर निकल के आ जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि वो अपने रूट्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं. यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो लीव्स के अंदर जो मौजूद स्टोमेटा होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं, उसको यूज करते हैं. ओके सो नेक्स्ट दैट वी हैव इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. जबकि रेस्पिरेशन दे आर कैटाबॉलिक, यानी कि इसके अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट के छोटे बन जाते हैं. नंबर टू, synthesis of food from simple organic substances, यानी कि इसके अंदर खाना तैयार होता है using simple organic substances. जबकि respiration के अंदर breaking down of food होता है, यानी कि first two points जो हमारे पास work हैं that is almost the opposite. Photosynthesis anabolic, respiration is catabolic. Photosynthesis synthesis of food, यानी कि food तैयार हो रहा होता है. Respiration is breaking down of food, यानी कि food जो हम खा रहे होते हैं उसको तोड़ रहा होता है. फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, एंड फोटोसिंथेसिस में आपको लाइट एनर्जी की ज़रूरत लाजमी होती है, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर हमें लाजमी ज़रूरत नहीं होती. अगर लाइट एनर्जी नहीं भी होगी तो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, यानी सिर्फ प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस अकर होता है, सिर्फ उनके अंदर मौजूद होता है. जबकि रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. नंबर फाइव, फोटोसिंथेसिस यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और रेस्पिरेशन के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज ऑक्सीजन गैस. जबकि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस होता है वो रिलीज हो रहा होता है, एंड रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है. तो अगेन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हो गए. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, यानी ये दिन के वक्त में शुरू होता है, जबकि रेस्पिरेशन टेक्स ऑल द टाइम्स. यानी हम जो खाने का रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो पूरा दिन चल रहा होता है. नंबर एट डिफरेंसेस, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड. क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा प्लांट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल का जो मेन फंक्शन है दैट इज कि वो सनलाइट को अपनी तरफ खींचता है. अगर सनलाइट अपने तरफ को नहीं खींच पाएगा तो फिर वो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट टू हैव क्लोरोफिल इन इट सो दैट दे कैन स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस. जबकि रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल का कोई जरूरत नहीं होती हमारे पास. ओके नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सो हम उस पार्ट की बात करेंगे जिससे प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, एंड दैट इज स्टोमेटा. सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टोमेटा इज स्टोमा, और इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स माउथ. क्योंकि जिस तरह से हम लोग माउथ से सांस लेते हैं तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो भी अपने स्टोमेटा से सांस लेते हैं, इसलिए ग्रीक वर्ड में जो स्टोमा है माउथ जिसकी मीनिंग है, इसलिए ये नाम रखा गया है. दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स, यानी वो इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं दैट ये
you can only see them using a microscope, and they are present in the epidermis of leaves. Epidermis kya hota hai? Skin hota hai. Chahe aap animals ki baat karein, chahe plants ki baat karein, epidermis are the skin. Through these openings, plants exchange gases with their environment. Each stoma is a slit-like opening forming by two special cells. Slit hota hai seedha cut. Yani agar aap kisi cheez pe cut kar rahe hote hain seedha sa, that is called a slit. To jo stoma hota hai wo two special cells, yani ki jo cells jin cells se stoma ban raha hota hai, that is guard cells. Two guard cells aapas mein ek dusre ke aamne samne khade hue hote hain ya rakhe hue hote hain. और जो उनके बीच में एक गैप होता है दैट इज द स्टोमा. जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, पानी कम होता है तो वो खुल जाता है. समथिंग लाइक दैट, इट्स मूव्स लाइक दैट. ओके, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, यानी उनके अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है विद थिकर इनर, यानी उनके अंदरूनी हिस्सा ज्यादा थिक होता है, बाहर का हिस्सा पतला होता है, थिनर होता है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स. हमने शुरू में भी डिस्कस किया हुआ था, टर्जिडिटी का मतलब ये होता है कि पानी की मिकदार कितनी मौजूद है. अगर पानी ज़्यादा है, हेल्दी प्लांट है, उसके अंदर पानी की मिकदार काफ़ी है, यानी उसकी टर्जिडिटी ज़्यादा है. अगर उसके अंदर पानी कम है तो उसकी टर्जिडिटी कम है, यानी पानी की मिकदार जो होती है, पानी का अमाउंट जो होगा गार्ड सेल्स के अंदर वाटर का, दैट इज द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स. ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, the accumulation of photosynthetic solutes causes increase in turgidity of the guard cells. अब क्योंकि day time के अंदर photosynthesis का process चल रहा होता है, तो जो collection हो रही होती है तमाम चीज़ों के लिए ताकि photosynthesis का process start हो सके, उस collection को जमा जो कि कर रहे होते हैं, उसकी वजह से turgidity उसकी increase जाती है. यानी क्योंकि पानी हमें ज़रूरत होती है, plants को ज़रूरत होती है photosynthesis में as a raw material, क्योंकि वो carbon dioxide से react करता है, पानी की मिकदार क्योंकि इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए टर्जिडिटी जो होती है गार्ड सेल्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है. और जब इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, द स्टोमा ओपन्स अप. यानी अगर पानी की मिकदार ज़्यादा है सो स्टोमेटा विल ओपन अप, अगर पानी की मिकदार कम है तो स्टोमेटा विल क्लोज. यानी समझ लें, अगर पानी की मिकदार काफ़ी है तो फिर वो जो क्या होगा कि वो क्लोज हो जाएगा उसका. And the process of taking in of carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it becomes dark. जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक plants carbon dioxide को अंदर लेंगे and oxygen को give out करेंगे. अंधेरा होने के बाद the process becomes opposite. वो oxygen को अंदर लेते हैं और carbon dioxide को बाहर लेते हैं. ये सारा process किसके अंदर होता है? Stomata के अंदर होता है. So the respiratory organ of a plant is stomata, which is the plural form of stoma, which has been taken from Greek word meaning mouth. यानी कि क्योंकि हम लोग भी अपने माउथ से सांस ले रहे होते हैं, अपना गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इसी वजह से ग्रीक वर्ड के अंदर जो माउथ के लिए वर्ड यूज किया जाता है दैट इज स्टोमा. इसी वजह से इसको प्लांट्स की माइन्यूट ओपनिंग्स को भी स्टोमा का नाम दिया गया है. ओके, सो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स हम लोगों ने कवर कर लिया कि कौन सा पार्ट यूज होता है, दैट इज स्टोमेटा, वो कब यूज होता है, किस तरीके से वो बना है, सब कुछ हमने कवर कर लिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स. यानी एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किन किन तरीके से होते हैं. सो लाइक प्लांट्स एनिमल एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस. यानी प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी अपनी जरूरत रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए गैसेस से एक्सचेंज करते हैं. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड they take in oxygen and give out carbon dioxide. अब मेन मकसद क्या होता है गैसेस एक्सचेंज का, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी जो फूड में से मिल रहा होता है, फूड को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. हर एनिमल को, एनिमल्स को जो है फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इसी वजह से ये मेन पर्पस है कि हम सांस क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि सांस लेने का मकसद ये होता है कि हमारे अंदर जो खाना मौजूद है उसको तोड़ के एनर्जी तैयार किया जा सके. ठीक है, सो द प्रोसेस of gaseous exchange is ultimately linked with the respiration. यानी कि मेन मकसद ही क्या होता है gaseous exchange का, ताकि respiration का process start हो सके. The respiratory medium for aquatic animals is water, whereas for terrestrial animals is air. यानी हमने शुरू में discuss किया था chapter की शुरुआत में कि जो पानी के अंदर animals रहते हैं उनको जो oxygen की जरूरत होती है वो उनको water से ही मिल रहा होता है. यानी water के अंदर जो ऑक्सीजन पहले से मौजूद होता है उसी का इस्तेमाल वो लोग कर रहे होते हैं.
जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन में जानवर रह रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन एयर से मिल रहा होता है, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां से हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं. द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज 21%, व्हाइल इन वाटर इट इज अबाउट 5%. यानी कि जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद है तकरीबन 21%, जो हवा में जो हमारा ऑक्सीजन मौजूद है इट इज ऑलमोस्ट 21%, जबकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन मौजूद है दैट इज ओनली 5%. यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जबकि एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन को बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है. इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस एनिमल्स हैव रेस्पिरेटरी सरफेस. अब जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमें रेस्पिरेटरी सरफेस की जरूरत होती है, यानी कि लेट्स हम इंसान की बात कर लेते हैं. द रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर ह्यूमंस इज द लंग्स. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस. यानी उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है वही रेस्पिरेटरी सरफेस कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं तो जो उनका गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है. यानी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उनका वो रेस्पिरेटरी सरफेस बना हुआ होता है. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी सरफेस और सम इंटरनल सरफेस कुड सर्व एज रेस्पिरेटरी सरफेस. यानी जो मल्टी सेलुलर, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, तो या तो हमारे जिस्म का कोई हिस्सा जो है रेस्पिरेटरी सरफेस बनेगा या फिर हमारे जिस्म के अंदरूनी इंटरनल सरफेस अंदर कोई ऐसा ऑर्गन मौजूद होगा जो रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह सर्व करेगा. प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी एक रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए होती है ताकि वो सही से परफॉर्म कर सके. सबसे पहली चीज़, उसका जो सरफेस होना चाहिए बहुत थिन, यानी उसका जो लेयर होगा बहुत ही पतला होना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आसानी से इन एंड आउट हो सके. यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर थिन होगा तो बहुत आसानी से जो है वो इन एंड आउट हो सकता है, अगर वो थिक होगा तो डिफ्यूजन के प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा. वेट परमिएबल, परमिएबल में मतलब यानी कि उसका इन एंड आउट की जो होता है, जब नॉन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं कि इट्स परमिएबल, सेमी परमिएबल उसे कहते हैं, क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन या वो जो ओके सेकंड उसकी क्या प्रॉपर्टी चाहिए कि वो वेट होगा, परमिएबल होगा. थर्ड एंड फोर्थ, लार्ज रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि उसका जो है जो सरफेस है वो गीला होना चाहिए. परमिएबल यानी कि वो जो है सब्सटेंसेस को अंदर आना जाना करने की इजाज़त दे. फोर्थ, उसका वॉल्यूम जो है यानी उसकी जो स्पेस है कंपैरेटिवली टू द होल बॉडी बड़ा सा स्पेस होना चाहिए. प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, इट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. यानी कि यहाँ पर उनका लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम, यानी कि इतना बड़ा होना चाहिए इस हद तक कि पूरी जो जितने भी सेल्स मौजूद हैं हमारे बॉडी के अंदर उन तमाम की ज़रूरत को गैसेस की ज़रूरत होंगी इसको पूरी कर सके. यानी कि अगर लेट्स सपोज हमारा लंग्स का साइज अगर छोटा होता तो क्या होता है कि हमारे जो सेल्स जितने भी पूरी बॉडी में मौजूद हैं हमारे पास उनकी जो ऑक्सीजन की ज़रूरियात होंगी वो पूरी नहीं होंगी. तो यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है दैट इट शुड बी लार्ज इनफ, इतना बड़ा हो कि उसकी बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद हैं उन तमाम के गैसेस की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम्प्लीट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल The total surface area of the respiratory surface in human is about 20 times the size of the body. यानी तकरीबन 20 गुना बड़ा है वो. उसकी surface जो है total surface area जो है हमारे respiratory surface का वो हमारे पूरे body की size से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा बड़ा है. अब main मकसद क्या होता है इसका? An increased surface for gaseous exchange allows a faster rate of diffusion. यानी कि वो रेट ऑफ जमा डिफ्यूजन की स्पीड होगी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी. सप्लाई ऑक्सीजन, यानी कि वो एक ही वक्त में ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा होगा एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ही वक्त में वो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों काम साथ में चल रहे होंगे अगर सरफेस एरिया जो रेस्पिरेटरी सरफेस का होगा वो ज़्यादा होगा. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द एनिमल बॉडी. यानी कि जो पूरी एनिमल बॉडी की जो रेशियो है उसके अंदर जितने भी सेल्स मौजूद हैं उनकी तमाम ज़रूरतों को कंपनसेट यानी उसके हिसाब से
जरूरत वो कंप्लीट कर रहा होगा, नेसेसरी जो उसके रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको कंप्लीट कर रहा होगा. ओके सो नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी अब हम अपने इंसान का बात करेंगे, हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है. आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर लंग्स, यानी हमारे पास दो लंग्स मौजूद है, लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक, यानी कि हमारा जो सीना है उसके अंदर मौजूद होता है, एंड एयर पैसेज वे, यानी कि एक गली नली कहते हैं आपको, एक पाइपलाइन होती है जो लंग्स तक हवा जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पहुंचाता है, ये वो एयर पैसेज वे आता है. सबसे पहले हम लंग्स को डिस्कस कर लेते हैं. ईच लंग इज सॉफ्ट, यानी बहुत ही नरम होता है, स्पंजी होता है, यानी कि उसके अंदर इतने सारे होल्स होते हैं जिससे जो है गैसेस एक्सचेंज में आसानी होती है, और जो नेट हेल्दी लंग्स होते हैं वो पिंकिश होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं उनके थोड़े से ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं, क्योंकि जो स्मोक्स जो सिगरेट पीते हैं उनके अंदर टार होता है जो हमारे लंग्स को ब्लैक एंड ब्राउनिश कर लेता है. लेकिन जो हेल्दी लंग्स होते हैं दे आर पिंकिश इन अपीयरेंस. इट इज रैप इन टू प्लूरल मेम्ब्रेंस, यानी कि जो एक कवर होता है लंग्स के ऊपर उसको प्लूरल मेम्ब्रेंस कहते हैं, दो होते हैं लेयर वो. द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेंस इज फिल्ड विद फ्लूइड, यानी कि जो दो हमारे पास जो मेम्ब्रेंस बने हुए होते हैं कवरिंग के तौर पे लंग्स के ऊपर, उसके बीच में फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है दैट एक्ट्स लाइक लुब्रिकेंट, यानी कि वो लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है. या आप लोगों ने वर्ड फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये एक ऐसा केमिकल या एक ऐसा फ्लूइड होता है ताकि फ्रिक्शन ना हो, ताकि क्या कहते हैं खिसट या जो भी फ्रिक्शन को कहते हैं वो पैदा ना हो, तो अक्सर लुब्रिकेंट उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है. दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर. अब इसमें जब आप सांस ले रहे होते हैं और बाहर निकाल रहे होते हैं उसके ऐसे हमारा जो लंग्स होता है वो फूल रहा होता है और फिर वो वापस फूस हो जाता है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है उसको आसानी बनाने के लिए वी हैव टू प्लूरल मेम्ब्रेंस, और उसके बीच में फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है. लंग्स आर इनक्लोज इन बोनी केज, यानी कि हमारा जो लंग्स होता है वो एक बोन से बना हुआ केज, यानी इसको रिब्स कहते हैं हम लोग. रिब में जो है वो अंदर होता है, क्योंकि लंग्स यहाँ उन्होंने बता दिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए एक बोनी केज यानी कि रिब्स बना हुआ होता है, मेड ऑफ फ्लैट स्टर्नम. इसको बायोलॉजी में हम लोग रिब को स्टर्नम कहते हैं. इन फ्रंट 12 पेयर ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, यानी पीछे से हमारे पर रीढ़ की हड्डी होती है और आगे से हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं, यानी एक तरफ में भी 12 बोन्स होते हैं दूसरी तरफ में भी 12 बोन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए. रिब्स आर अटैच्ड विद इंटरकोस्टल मसल्स. इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम. अब रिब्स जो होते हैं वो हमारे जो मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स उससे अटैच होते हैं. ओके ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दैट बिटवीन दिस रिब्स ये जो ग्रे पार्ट बने हुए हैं दे आर द रिब्स. इसके बीच में देखिए मसल्स ये बने हुए हैं, तो ये मसल्स जो हैं दिस आर द इंटरकोस्टल मसल्स जो गैप में मौजूद होते हैं इन बिटवीन द रिब बोन्स. यहाँ पे देख सकते हैं बोन्स के बीच में उन्होंने क्या इंटरकोस्टल मसल्स है, यानी कि डबल टाइप की एक तरह से प्रोटेक्शन है हमारे पास लंग्स की, एक तो रिब की प्रोटेक्शन है, उसके बाद बीच में आपको जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है मसल्स वो भी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होते हैं फॉर द सेक ऑफ लंग्स. और फिर ये कह रहा है कि हमारे जो लंग्स के नीचे एक शीट ऑफ मसल्स होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी से उसको जुदा करते हैं, यानी कि बेसिकली डायफ्राम के नीचे हमारे पास आ जाता है स्टमक आ जाता है लिवर आ जाता है, तो उस डाइजेस्टिव पार्ट्स को लंग से सेपरेट करने के लिए एक लेयर ऑफ मसल मौजूद होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास आगे फर्स्ट चीज़ क्या है, दैट द लंग इज सॉफ्ट स्पंजी एंड पिंकिश. इसके अलावा उसके अंदर दो उसके ऊपर से दो लेयर्स होते हैं दैट इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेंस. दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जो उसको जो लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है. प्रोटेक्शन के तौर पे लंग्स के पास दो टाइप की चीज होती है, वन इज बोनी केज एंड सेकंड इज द इंटरकोस्टल मसल्स. जो बोनी केज है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से बने हुए होते हैं. और फिर आखिर में कहना उन्होंने कि लंग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से सेपरेट करने के लिए जो बेसिकली स्टमक को पार्ट को सेपरेट करने के लिए वी हैव अ डायफ्राम,
And aakhir mein bata diya that each lung is made up of millions of alveoli. Millions of alveoli yani isme basically hota kya hai that they are small. Ab dekh le isme alveoli mein kya hai that they are small balls type ke hote hain. Iske andar jo hai sara gases exchange ho raha hota hai, yani jo gases jo hamare paas aa rahe hote hain isi balls ke andar, isi alveoli sac ke andar jo hai sara diffusion ka process ho raha hota hai. Oxygen yahan pe aa raha hota hai, khoon yahan pe saaf ho raha hota hai, ganda khoon yahi pe jama ke saaf ban jata hai. To ye alveoli jo hai har lungs ke andar, hamare dono lungs ke andar bahut zyada miqdar millions mein maujood hote hain. Uske baad hamare paas aa jata hai trachea. Trachea is basically the tube, yani hamare jo naak se ya gale se jo andar jo ja raha hota hai tube, jisme aksar khana kabhi hota hai wo uske side mein khane ka bhi hota hai. So that tube is known as trachea. Ab trachea ki jo bilkul shuruaat mein agar dekhenge, yani bilkul aap dam khol ke dekhenge, sabse pehle ek box bana hua hota hai that is known as larynx, jahan se hamari awaaz nikal rahi hoti, yani ki usko hum sound box bhi kehte hain, but in biology we call it larynx. और लैरिंग से पहले जो हमारे पास आता है वो एक ग्लॉटिस, यानी अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो आपको बीच में एक गोश का टुकड़ा लटकता हुआ नजर आएगा. ओके, सो दैट ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस, और जो गोश का टुकड़ा लटकता हुआ नजर आ रहा है दैट इज द एपिग्लोटिस. ठीक है, यानी कि एपिग्लोटिस इज लाइक अ लिड जो बेसिकली हेल्प करता है कि खाना गलत गली में ना चला जाए, गलत ट्यूब में ना चला जाए, तो दैट एपिग्लोटिस हेल्प्स मी विद दैट. और उसके बाद एपिग्लोटिस जो इंटर कर रहे होते हैं एपिग्लोटिस, फिर एंट्रेंस से ग्लॉटिस, फिर साउंड बॉक्स से लैरिंग्स, एंड देन वी एंटर द ट्रेकिया. ओके, सो आफ्टर ट्रेकिया, ट्रेकिया जब हमारा पूरी जो ट्यूब होता है सांस लेने वाली वो जब एंड हो जाती है तो वो दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जो एक लेफ्ट लंग्स में जाता है और एक राइट लंग्स में चला जाता है. सो दैट ट्यूब इज नोन एज ब्रोंका. ओके, सो ट्रेकिया इज सेंटर ऑफ थोरैक्स बायफर्केट्स, यानी बायफर्केट्स यानी वो जो थोरैक्स को आधे हिस्से में काट रहा होता है, टू स्मॉलर डक्ट्स यानी दो और हिस्से में वो डिवाइड हो जाता है, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई. ईच ब्रोंकस डू हैव अ सी शेप कार्टिलेजस रिंग, यानी उसके अंदर जो है रिंग्स बने हुए होते हैं बोन्स के. ब्रोंकस ऑफ ईच साइड इंटर्स इनटू द रिस्पेक्टिव लंग, यानी लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाएगा, राइट ब्रोंकस राइट लंग्स में इंटर होता है. एज सून एज इट इंटर्स इनटू द लंग्स इट ब्रेक्स अप इनटू मेनी स्मॉलर डक्ट्स और ब्रोंकियोल्स, यानी ब्रोंकस और भी छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स. आफ्टर दैट ब्रोंकियोल, ईच ब्रोंकियोल इज अ वेरी टाइनी ट्यूब दैट ओपन्स इनटू एयर सैक और अल्वोइली, यानी कि सबसे पहले ट्रेकिया ट्यूब होता है, उसके बाद वो दो अलग अलग हिस्से ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई. फिर ब्रोंकाई और भी छोटे ट्यूब्स में चले जाता है, दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल. और ब्रोंकियोल के बिल्कुल एंड में अल्वोइली यानी आपके जो बॉल्स शुरू में दिखाए थे वो वो होते हैं जहाँ पे सारा डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है. यानी कि देख लें, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं सबसे पहले जो है हमारे पास जो है फेरिंग्स आता है, यानी कि मुंह की ओपनिंग आती है हमारे पास. एपिग्लोटिस जो कवरिंग होती है वो आता है हमारे पास. कवरिंग बीच में ये ओपनिंग जो बना हुआ है दैट इज नोन एज ग्लॉटिस. फिर हमारे पास लैरिंग्स, यानी यहाँ से आवाज़ निकल रही होती है. फिर उसके नीचे हमारे पास आता है ट्रेकिया. ट्रेकिया दो हिस्से में बट जाता है, दैट इज नोन एज ब्रोंकस. फिर ब्रोंकस जब लंग्स के और अंदर चले जाता है तो और भी वो छोटे पाइप्स बन जाता है. देखिए दोनों तरफ छोटे छोटे पाइप्स बन गए, दैट आर नोन एज ब्रोंकियोल. एंड ब्रोंकियोल्स के एंड में आप देख सकते हैं छोटे छोटे उनके वॉल्स बने हुए हैं, ये एयर सैक्स बने हुए हैं, दैट इज नोन एज अल्वोइली. ओके, सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, नाउ लेट्स गो टू द होमवर्क सेक्शन. Section mein you will answer question number 1, why does stomata generally open during daytime, yani din ke waqt mein stomata kyun open hota hai aur raat ke time mein kyun nahi hota, you have to give me answer for that. And then which part of the plant intakes carbon dioxide and give out oxygen, plant ka kaun sa hissa carbon dioxide andar leta hai aur kaun sa hissa oxygen ko bahar nikalta hai, and then kaun sa hissa take in oxygen gas and give out carbon dioxide during daytime.
यानी कि ये दो अलग अलग है, एक इनटेक एंड गिव इनटेक CO2 एंड गिव आउट O2 कौन सा पार्ट करता है, एंड देन टेक इन O2 एंड गिव आउट CO2 कौन सा पार्ट करता है। फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ ये दो क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू गिव मी द आंसर्स, राइट दीस क्वेश्चंस, राइट दीस आंसर्स ऑन योर बायोलॉजी कॉपी। ओके, लाफ इज